إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. बलंद तुम बेहदियत कुम तफ्रह हर तरह की तारीफ़ व तोसीफ़ उसी अल्लाह रब कायनत सात आसमान वाले सातों ज़मीन वाले परवर दिगारो पालनहार के लिए जेबा और सजावार है दरुदो सलाम नाजिल हो आसमान के तारों के बराबर रेगिस्तान के रेती के ज़र्रात के बराबर बारिश के कतरों के बराबर दरख्तों के पत्तों के बराबर दरुद सलाम नाजिल हो हमारे नबी सल्लल्लाहु सल्लाम पर अल्लाहुम्म अल्मा सलिल मुहम्मद वाला आल महम्मद कम सलिल तालब्राहिम उलाब्राहिम इन्नक हमीद उम मजीद अल्लाबारिका मोहम्मद वाला आल महमद कम बबारक ताल इब्राहिम वालाब्राहिम हमीदुम मजीद मख्सर सी हमदो सलात के बाद हाज़री ने जुमा पर्दा नशीन ख़वातिन इस्लाम खुदब मसनूना के बाद सुर नमल की दो आयतें मैंने आपके रूबरू तिलावत की इस सूरत के अंदर सुलेमान सलेमानसलाम और सबा बिल्क़ का तस्करा है सबा की रानी बिल्स और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान सिफारत का सिलसिला चला ये सारी गुफ्तु शुर नमल में आप मुलाजा कर सकते हैं सलेमान सबा बिलकीस से नाराज़ थे और वो उनको राज़ी करने के लिए हदिया और तोहफा भेजी लेकिन हज़रत सुलेमान सलाम ने उसको कबूल ना किया क्योंकि सुलेमान सलाम जो बात चाह रहे थे उस बात में उस मलिका ने उनकी इतात नहीं की इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि हदीये का लेन देन ज़माने कदीम से रहा है पुराने ज़माने से हदिये का लेना हदिए का देना जिसे अंग्रेज़ी में हम गिफ्ट कहते हैं तहफ़े तहईफ़ हम कहते हैं तो ये पुराने ज़माने से रहा है एक बादशाह दूसरे बादशाह को हदिया देता है एक हुकूमत दूसरे हुकूमत को हदिये देती है एक मुल्क दूसरे मुल्क को हदिये देता है को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ताल्लुकात को उस्तवार करने मुस्तहकम और बेहतर बनाने के लिए व सुन्नत में शरीयत में जो वसीले और जो ज़रिए बताए गए हैं उसमें से हदिया और तोहफा बेहतरीन ज़रिया है समाज में मोहब्बत को बढ़ाने रिश्तेदारियों को मजबूत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिए का तामुल किया करते थे आज मेरा यही उनवान है शरीयत में हदिये की हैसियत क्या है उसके आदाब उस अहकाम बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया हदिया मोहब्बत की अलामत है जहाँ हदिया होता है वहाँ मोहब्बत होती है जहाँ तोहफा होता है वहाँ प्यार जन्म लेता है आपने फरमाया तहा दो तहा लोगो आपस में एक दूसरे को हदिए दिया करो और मोहब्बत को बढ़ाया करो मोहब्बत बढ़ती है हदिए से जहाँ हदिया होता है वहाँ मोहब्बत होती है हदिया दिलों की नफरतों को दूर करता है हदिया दिलों के गुबार को दूर करता है हदिया दिलों की हसद दुश्मनी को दूर करता है जहाँ मोहब्बत नहीं होती है वह हदिया वहाँ मोहब्बत पैदा करता है जहाँ पहले से मोहब्बत होती है हदिया उस मोहब्बत में इजाफा करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले आपके जो अवसाफ़ पिछली आसमानी किताबों में बयान किए गए हमारे नबी अभी पैदा नहीं हुए हमारे नबी अभी दुनिया में आए नहीं आपके दुनिया में आने से पहले पिछली पुरानी आसमानी किताबें तौरात इंजील वगैरह में आपके जो तस्करे बयान किए गए आपकी जो तारीफ़ की गई आपके जो अखलाक बयान किए गए उनमें से बतौर ख़ास इस बात का ज़िक्र है आने वाला आखिरी नबी हदिये को कबूल करेगा आने वाला आखिरी नबी हदिया कबूल करेगा हाँ सदका कबूल नहीं करेगा कितनी बड़ी बात है हदिये का ज़िक्र अल्लाह के नबी की, की पैदाइश से पहले पिछली आसमानी किताबों में तस्करा के आने वाला आखिरी नबी हदिया कबूल करेगा इससे पता चलता है हदिया की कितनी अहमियत है हदिया कबूल करेगा मगर सदका कबूल नहीं करेगा क्या फ़र्क है दोनों में सदका गरीब को दिया जाता है मगर हदिया सब को दिया जाता है चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो सदक़े में हमदर्दी और गमखारी के जज्बात होते हैं बेचारा भूखा है उसे खाना खिलाएं बेचारा प्यासा है उसे पानी पिलाओ बेचारा बरहना है उसे कपड़ा पिलाओ एक तड़प होती है एक तरस होता है हमदर्दी के जज्बात होते हैं सदक़े में लेकिन हदिये में मोहब्बत का जज्बा होता है हदिये में प्यार और उल्फत का जज्बा होता है नबी करीम वसल्लम के बारे में उम्मुल मुमिन आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तयान फरमाती हैं नबी सलाह सल्ल् यकबलिया वी वही अल्ला के नबी सल्ला वल्लम हदिया कबूल करते थे और हदिया दूसरों को दिया भी करते थे सिर्फ लेने का लेने की आदत ही ना हो देने की आदत भी हो अल्लाह के नबी हदिया लेते भी थे हदिया देते भी थे तो हदिया लेना भी चाहिए और हदिया देना भी चाहिए इससे इंसानों के दरमियान दोस्तियों में मोहब्बत पैदा होती है रिश्तेदारों में मजबूती आती है ज़रूरी नहीं कि कोई कीमती चीज़ ही आप हदिया दें ज़रूरी नहीं कि सोना चांदी ही आप हदिया दें बड़ी सवारी आप हदिया दें क़ीमती लिबास ही आप हदिया दें मामूली सी मामूली चीज़ के ज़रिए से भी आपस में मोहब्बत पैदा होती है एक मामूली चीज़ आप हदिया दो किसी को खजूर खा रहे हैं आप ये खजूर को दो हिस्से करके बाजू वाले को एक टुकड़ा हदिया कर दो मोहब्बत पैदा हो जाएगी कोई भी चीज़ मामूली चीज़ भी आप हदिया कर सकते हैं और उसके जरिए से भी मोहब्बत पैदा होती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की जमात से मुखातब होकर फरमाया मसा जारतारती वो फिर सनाशात अतों की जमात तुम में से कोई पड़ोसन के हदिये को मामूली ना समझे अपने पड़ोसन के हदिये को मामूली ना समझे अगर के वो हदिया बकरी का खुर क्यों ना हो बकरी का खुर किसे कहते हैं पैर का सबसे निचला हिस्सा जिसके ज़रिए से बकरी चलती है हम लोग आम तौर पे उसको निकाल के फेंक देते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको तुम मामूली समझ के फेंक देते हो अगर उस चीज़ को भी कोई हदिया ला के दे आए औरतों की जमात तुम उसको मामूली ना समझो हदिया छोटा है या बड़ा है यह असल नहीं है दिल की मोहब्बत असल है लाने वाले के जज्बात असल हैं उसने तुमको याद रख के हदिया ला के दिया है यहां खासकर अल्लाह के नबी ने औरतों की जमात क्यों कहा आम तौर पर खवातीन में बड़े ताने होते हैं बड़े तबसरे होते हैं कोई मामूली हदिया ला के देते हैं तो उस पर कई कई बातें होती हैं क्या हम लोगों को जरूरत है क्या हम बड़े मालदार हैं ये छोटी चीज की जरूरत है क्या इससे क्या काम बनेगा ऐसी बातें हरगिज नहीं करना चाहिए एक और हदीस में आपने फरमाया फरमायाब मरा फिर महा का जब सालन बनाओ सालन में जरा पानी ज्यादा कर लो और अपने पड़ोसी को शोरबा ले जाके दो ग्रेवी जिसे हम कहते हैं आप इतने मालदार नहीं कि गोश के टुकड़े दे सकते नहीं आप तो प्यारे नबी ने फरमाया पानी बढ़ा लो सालन का टेस्ट घटा लो लेकिन पड़ोसी को हदिया देना मत भूलो कम से कम शोरबा एक प्लेट में ले जाके दो कितनी अहमियत बताई हदिए की प्यारे नबी ने तो आपस में एक दूसरे को शेयर करके खाओ घर में अचार बनाए थोड़ा अचार बाजू वालों को दो कितनी मोहब्बत बढ़ेगी घर में चटनी बनाएं थोड़ा चटनी बाजू वालों को तो कितनी मोहब्बत बढ़ेगी मोहब्बत को बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया हदिया तोहफा और गिफ्ट है ये अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहतरम हजरात एक और हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया कि सला ला तुरत तीन हदिए जिनको रद्द नहीं करना चाहिए तीन हदिये हैं जिनको रद्द नहीं करना चाहिए कबूल करना चाहिए पहला हदिया अल-विसाया, तकिया तकिया आपको कोई देता है तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए तकिए से मुराद वो तकिया नहीं जब हम लोग सर के नीचे रखते हैं अरब का कल्चर है कोई मेहमान घर आता है तो कालीन बिछा के नीचे बिठाते हैं उसको और दीवार पर तकिए लगे रहते हैं हर आदमी तकिए को टेक लगा के बैठता है कोई गोद में रख के बैठता है तो वो तकिया यहाँ मुराद है मेहमान की खातिरदारी के तौर पे कोई तकिया देता है तकिया कबूल करो और दूसरा तोहफा खुशबू अगर आपको खुशबू देता है खुशबू को रद्द नहीं करना चाहिए हाँ कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास खुशबू की बाटिल चल के आए कोई आदमी खुशबू जिस्म को कुछ लगाता है वो भी हदिया है उसको भी कबूल करो और तीसरी चीज़ फरमाया दूध अगर आपको कोई देता है दूध पिलाना चाहता है उस हदिये को कबूल करो उस जमाने में दूध बड़ी नेमत थी तो दूध कोई आपको पिलाता है दूध पेश करता है उसको कबूल करना चाहिए जो तीन हदिये हैं जिनको रद्द नहीं करना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हदिया देखिए किसको देना चाहिए जो आपसे जितना करीब है वो आपके हदिये का उतना हकदार है मुस्तक है उम्रमिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजियाल बयान फरमाती हैं सवाल करती हैं कि इन अली जार अल्लाह के नबी मेरे दो पड़ोसी हैं मेरे पास दोनों को देने के लिए उतनी उतनी चीज़ नहीं है लिहाजा मैं अपनी चीज़ किसको को दूँ मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दोनों को पेश करूं, लिहाजा दो पड़ोसियों में से किसको पेश करूं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरबी हिमान की बाबा दोनों में से जिसका दरवाज़ा तेरे दरवाज़े के ज़्यादा करीब है तू उसको अपना हदिया पेश कर तो क्या मालूम हुआ जो हमसे जितना करीब है वो हमारे हदिए के उतना मुस्क हैं Yup. दोस्तों में जो हमसे करीब हैं वह हमारे हदिये के ज़्यादा हक़दार हैं रिश्तेदारों में जो हमसे जितना करीब हैं वह हमारे हदिये के उतना हकदार हैं पड़ोसियों में जो हमसे जितना करीब हैं नएबर्स में जो हमसे जितना करीब हैं वह हमारे हदिए और तहफे तोहफ़े के उतना ज़्यादा हक़दार और मुस्तक हैं माँ बाप को नसीहत की गई हदिये के सिलसिले में वालिदैन को नसीहत की गई हदिये के सिलसिले में कि बच्चों को हदिया देते हुए इंसाफ़ से काम लेना अपने औलाद के दरमियान कोई चीज़ तकसीम करते हो जानिबदारी से काम नहीं लेना तरफदारी से काम नहीं लेना फला बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है उसको दे दिए फला बच्चे से कम मोहब्बत है उसे कम कर दिए नहीं ये मोहब्बत तो अल्लाह डालता है दिल में किसी से ज़्यादा मोहब्बत किसी से कम मोहब्बत ये सब माँ बाप को होती है लेकिन जब बांटने की बात आती है तो इंसाफ़ से बांटने की तालीम दी गई है क्योंकि कभी कभी क्या होता है वालिदैन एक बेटे को खूब दे देते हैं बेटियों को महरूम कर देते हैं बास क्या करते हैं एक बेटे को कीमती हदिया देते हैं दूसरे बेटे को मामूली से मामूली हधिया देते हैं कभी क्या करते हैं वालिदैन बास को देते ही बास को नहीं देते तो इसकी वजह से औलाद बागी बन जाती है माँ बाप की नाफरमान बन जाती है माँ बाप के सिलसिले में नफरत पैदा करने वाले कोई और नहीं खुद अपने उनके मां बाप हैं जो औलाद को अपने से दूर कर लेते हैं जानिबदारी से काम लेके हदीये देते हुए इंसाफ ना करते हुए देखिए हदीस है नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तु उनके वालिद ने उनको हदिया दिया तो उनकी माँ ने उनके वालिद से कहा जाओ इस हदिए पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना किया उनको बता क्या हो नुमान बिन बशीर के वालिद अल्लाह के नबी के पास गए और कहा कि अल्लाह के नबी मैं मेरे बेटे नुमान को हदिया दिया हूँ इस पर आपको गवाह बनाने के लिए आया हूँ प्यारे नबी ने सवाल किया क्या जो जो हदिया तुमने अपने बेटे नौमान को दिया है यही हदिया तुम दूसरे सारे बेटों को दिए हो औलाद को दिए हो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ नौमान को दिया हूं प्यारे नबी ने फरमाया देना हो तो सारी औलाद में इंसाफ़ के साथ उस तरह का हदिया दो वरना नौमान का हदिया भी वापस ले लो तो मजबूरा नौमान के वालिद ने नौमान का दिया हुआ हदिया वापस ले लिया तो मालूम यह हुआ माँ बाप को औलाद के दरमियान तकसीम करते हुए इंसाफ़ से काम लेना चाहिए हदीये सबको बराबर बराबर देना चाहिए लड़का हो लड़की हो उनके औलाद को ज़िंदगी में जब हदिया देते हैं तो बराबर बराबर देना चाहिए इसी तरीक़े से हजरात शरीत की एक तालीम ये है हदिया ये देने के बाद वापस ली जाने वाली चीज़ नहीं है दे दिए तो बस दे दिए भूल जाना चाहिए देने के बाद वापस लेने का इरादा ये बहुत मजमूम सिफत है ये गिरे हुए अखलाक़ है इंसान के कि हदिया देने के बाद उसको वापस लेने की खाश करे मजमूम हरकत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुफ़ी ही बती ही कल कल भी यऊदी कई ही हदिया देने के बाद वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते की मिसाल है कुत्ता कुछ खाता है फिर कह करके उसको चाट जाता है तो हदिया देकर वापस लेना ये गिरे हुए अखलाक हैं कितनी बुरी मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उलमा कराम ने लिखा है इस कायदे से सिर्फ़ माँ बाप मुस्तना हैं माँ बाप औलाद को हधिया देकर वापस ले सकते हैं माँ बाप के अलावा किसी और को इजाज़त नहीं कि दिया हुआ हदिया दोबारा वापस ले हधिया देते हुए नीयत क्या होनी चाहिए किसी को हम गिफ्ट करते हैं तो हमारा इरादा क्या हो हमारी नीयत क्या हो अगर नीयत ये हो बदले में मुझे इससे ज़्यादा मिले बदले में मुझे इससे बढ़कर मिले शरीयत ने इस मिजाज को सख्त नापसंद किया है तोहफा देने के बाद ज़्यादा मिलने की ख्वाहिश करना शरीयत ने इस मिजाज को बहुत नापसंद किया है हदिया देते हुए बस एक ही जज्बा होना चाहिए वो क्या है मोहब्बत और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए बस हदिये का मकसद यही है ताल्लुकात मजबूत से मजबूत हो जाए हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए इस हदीये के ज़रिए से बस मुझे आपका प्यार चाहिए आपकी मोहब्बत चाहिए आपकी क़ुर्बत चाहिए आपकी नज़दीकी चाहिए कुछ और नहीं चाहिए ये नीयत हदिया देते हुए होना चाहिए सूरे रूम में इस तरह का जज्बा रखकर हदीया हदिया देने वाले हदीये को सूद से ताबीर किया गया है वड्डी जिसे हम कहते हैं सूद से ताबिर किया गया फरमाया अल्लाह ताला ने, व आते तुम मर्रबल्नास अल्लाह जो भी सूद तुम देते हो दूसरों को जो भी सूद देते हो ताकि माल में इजाफा हो जाए लोगों के अल्लाह के पास उसमें इजाफा होने वाला नहीं तो इसमें अल्लाह तला ने क्या बताया जो माल तुम तोहफे के तौर पर किसी को देते हो अगर उसमें ये इरादा हो कि उसके पीछे मुझे ज़्यादा मिले उस हदीये को शरीयत ने क़ुरान ने सूद के मजमूम लफ से ताबिर किया है सूद किसे कहते हैं सूद यही है ना कि ज़्यादा मिलने की ख्वाहिश हो इंसान को तो ये मक्की सूरत है मक्के में उस वक्त सूद हराम नहीं था उस वक्त मक्के में सूद हराम नहीं था जो हदिया देकर ज्यादती की ख्वाहिश करता है उसको सूद के मजमूम लफ्ज से ताबिर किया गया गोया के इस तरह की नीयत के हदिया करने वाला सूद दे रहा है हदिया नहीं दे रहा है नाम हदिया है लेकिन उसका हुक्म सूद का हो जाता है शादियों में ही तो होता है फंक्शनों में चाहे शादियाँ होंक़े की दावत हो फला दावत हो क्या होता है उसमें मिसाल के तौर पे, मैं दो हज़ार दिया हूँ आपकी बेटी की शादी में अब मैं इंतज़ार करते रहता हूँ मेरी बेटी का शादी है आप मुझे कितना डालेंगे अगर आप मुझे एक हज़ार के तौर पे डालते हैं मैं नाराज़ हो जाता हूँ अंदर से अंदर बहुत नाराज हो जाता हूँ क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है मेरी बेटी की शादी में आप तीन चार हज़ार तो डालें मैं दो हज़ार डाला हूँ ज़्यादती की जो ख्वाहिश होती है ना तो इसको सूद के लफ्ज से शरीयत ने ताबीर किया है आजकल हमारी हमारे शादियों में यही सब चल रहा है शादियों में ये जो काउंटर का निज़ाम है पैसे लेने का सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए ये सूद की दूसरी शक्ल है किसी को हदिया मोहब्बत बढ़ाने के लिए देना चाहिए बजाय इसके कि हम ये ख्वाहिश करते बैठे कि मैंने तुमको दो हज़ार दिया है तुम मुझे तीन हज़ार चार हज़ार डालो ये सूद की एक शक्ल है इसको समाज से ख़त्म करना चाहिए और हदिया क्या है जिससे मोहब्बत बढ़ता है लेकिन इस हदिए से नफरत बढ़ती है इस हदीये से दुश्मनी बढ़ती है इस हदीये से दिलों में गुबार आता है दिलों में कदूरतें पैदा हो जाती है इसी तरीके से मोहतरम हजरात गरीब का सदका अमीर के लिए हदिया बन जाता है गरीब का सदक़ा अमीर के लिए हदिया बन जाता है क्योंकि अमीर के लिए सदका जायज़ नहीं है अब वो गरीब उसी सदक़े के ज़रिए से उसी सदक़े के माल को आपको ला कर देता है तो गरीब का सदका आपके लिए हदिया बन जाता है हाथ बदलने से हुक्म बदल जाता है हाथ बदलने से मसला बदल जाता है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में दाखिल हुए घर में हांडी में गोश्त पक रहा था प्यारे नबी ने फरमाया ये क्या है घर वालों ने बताया बरीरा को किसी ने सदक़े में गोश्त ला कर दिया बरीरा कौन है आज़ाद करदा लउंडी है उनके लिए सदका जायज तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया हे लाहा सदका वलना हदिया प्यारे नबी ने कहा वो बरीरा के लिए सदका है बरीरा का माल हमारे लिए हदिया है लाओ गोश्त मैं भी खाता हूँ प्यारे नबी ने उस गोश्त को खाया तो मालूम यह हुआ हाथ बदलने से हुक्म बदल जाता है गरीब का सदका अमीर के लिए हदिया बन जाता है कोई आदमी किसी गरीब को जक़ात का माल ले जाकर दिया आप उस गरीब के घर गए उस जक़ात के माल से उस गरीब ने आपको चाय पिलाया तो क्या आप यह कहेंगे कि ज़कात का माल खा लिया आप नहीं कह सकते आप वो गरीब के लिए जकत है वो आपके लिए हदिया बन जाता है इसी तरीके से हदीये को हदिया बनाया जा सकता है आप मुझे हदिया दिए उस हदीये को मैं किसी और को हदिया कर सकता हूँ गिफ्ट कर सकता हूँ हदीये को हदिया बनाया जा सकता है मिसाल के तौर तो पर आप मुझे कोई चीज़ कपड़े ला कर दिए वही कपड़े मैं किसी और को हदिया कर दिया तो आपका हदिया मेरे लिए हदिया दूसरों के लिए हदिया बन गया इसकी कई मिसालें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई और उसने कहा अल्लाह के नबी बड़े एहतमाम से मैं आपके लिए अपने हाथों से एक चादर बनाया है अपने हाथों से आपके लिए मैं चादर बना के लाई हूँ तोहफा देने के लिए ये चादर मेरी तरफ़ से आप कबूल कीजिए चादर बड़ी ख़ूबसूरत थी बड़ी क़ीमती थी, थी। अल्लाह के नबी फ़ौरन घर गए और चादर को जेब तन करके पहन के आ गए बाहर आए तो साहबा का मजमा बैठा हुआ था अल्लाह के नबी को साहबा ने देखा बहुत खूबसूरत लग रहे थे और वो लिबास अल्लाह के नबी को भी बहुत पसंद आ गया इतने में एक साहबी खड़े हुए उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये चादर मुझे दे दीजिए आप वो तो चादर मुझे दे दीजिए अल्लाह के नबी किसी मांगने वाले को कभी ना नहीं कहते थे फौरन घर गए चादर उतार के अपने पुराने लिबास पहन लिए वो चादर ला के उनको गिफ्ट कर दिए बैठे हुए सहाबा को ये बात बहुत बुरी लगी उस साहबी को फौरन टोका तुमने मांग कर अच्छा नहीं किया किसी ने अल्लाह के नबी को बड़े अहतमाम से बना के तोहफा दिया और अल्लाह के नबी बड़े शौक से पहन कर आए बड़े खूबसूरत लग रहे थे और तुमने तुमको मालूम है कि अल्लाह के नबी किसी मांगने वाले को कभी नहीं नहीं कहते और तुमने मांग लिया और अल्लाह के नबी तुमको दे दिए तो उस साहबी ने उन सहाबी ने कहा लोगो तुम्हारी बात सही है लेकिन मेरे इरादे और मेरी नीयत को भी देखो मैं किस लिए मांगा हूं? मेरे मेरी नीयत को भी देखो मैं इसलिए नहीं मांगा कि जिंदगी में इस चादर को पहनूं मैं इसलिए मांगा हूं ताकि मेरे मरने के बाद मुझे उसमें कफनाया जाए जो चादर अलैहि वसल्लम को पसंद आई है मेरी ख्वाहिश है उस चादर में मुझे कफनाया जाए रावी हदीस कहते हैं उन सहाबी के इंतकाल के बाद उनको उसी चादर में कफन पहनाया गया कफनाया गया तो मालूम यह हुआ गिफ्ट जो है दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं इसी तरीके से गैर मुस्लिम को हदिया दिया जा सकता है गैर मुस्लिम से हदिया लिया जा सकता है जिस माहौल में हम लोग रहते हैं जिस समाज में हम लोग ज़िंदगी बसर करते हैं यहाँ की अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है गैर मुस्लिमों को हदिया दिया जा सकता है और ग़ैर मुस्लिमों से हदिया लिया जा सकता है ग़ैर मुस्लिमों से हदिया लिया जा सकता है उसकी क्या दलील है मिस्र का बादशाह मुकौकस उसका नाम है ये क्रिश्चियन बादशाह था ईसाई बादशाह था उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन तोहफे भेजा एक है खच्चर घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा होता है जानवर सवारी के लिए दूसरा है मारिया किब्तिया और तीसरा उनकी बहन सीरीन ये तीन तोहफे मुकौकस बादशाह मिसर ने अल्लाह के नबी को गिफ्ट किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खच्चर था अल्लाह के नबी उसको कई ज़माने तक इस्तेमाल करते रहे और मारिया किप्तिया उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक बेटा पैदा हुआ जिसे हम इब्राहिम कहते हैं अठारह महीनों की उम्र में उनका इंतक़ाल हो गया था और तीसरा तोहफा सीरीन दरबार रसूल के शायर हसान बिन साबित रजी अल्लाह तु को अल्लाह के नबी ने सीरील लौंडी को हिबा कर दिया गिफ्ट कर दिया तो मालूम यह हुआ ग़ैर मुस्लिमों के तोहफे कबूल किए जा सकते हैं। हाँ उनके त्योहार के मौके पर जो दिए जाते हैं वो कबूल नहीं करेंगे आम दिनों के तोहफे उनके कबूल किए जा सकते और इसी तरीके से ग़ैर मुसलिमों को तहफ़ा दिया भी जा सकता है बखारी केदीस हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा मार्केट में बहुत ही कीमती रेशमी लिबास देखा बहुत अच्छा था उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये लिबास बहुत अच्छा है रेशमी लिबास है इसको आप ले लीजिए ताकि वफूद आपके पास आते हैं उनका इस्तेबाल इस लिबास को पहन के वूद का इस्तबाल कीजिए बड़े बड़े लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं इस लिबास को पहन के आप उनका इस्तेबाल कीजिए उनको वेलकम कहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हा मल्ला खला ये वो लिबास है आखिरत के तलबगारों के लिए लिबास जेब नहीं देता आखिरत के तलबगारों के लिए यह लिबास लायक नहीं मोमिनों के लिए लिबास जायज़ नहीं फिर चंद दिनों के बाद वही रेशमी लिबास प्यारे नबी को गिफ्ट में आ गया अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम उस लिबास को हज़रत उमर को तोहफे में भेज दिए हजरत उमर ने देखा ये क्या बात हुई उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप ही ने कहा था ना ये लिबास आखिरत के तलबगारों के लिए जेबा नहीं देता मोमिनों के लिए लिबास जायज़ नहीं रेशम का लिबास फिर मुझे क्यों तोहफे में दिए आप तो प्यारे नबी ने फरमाया ये लिबास मैं आपको पहनने के लिए नहीं दिया हूँ या तो आप उसको बेचकर पैसे रुपया पैसा कमा लो या तो किसी और को हदिया कर दो हज़रत उमर रजी अल्लाह तु उस लिबास को अपने एक रिश्तेदार भाई थे गैर मुस्लिम थे गैर मुस्लिम रिश्तेदार भाई जो मक्के में रहा करते थे मदीने से मक्के को उस लिबास रवाना किए तो मालूम यह हुआ कि गैर मुस्लिमों को हदिया दिया जा सकता है और ग़ैर मुस्लिमों से हदिया लिया जा सकता है इन दलाइल से हमको ये बात समझ में आती है हज़रत अब्दुल्ल् बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तु उनके घर में एक मरतबा बकरी बाह हुई बकरी बा हुई वो घर के अंदर तशरीफ़ लाए और कहा अहादे तुम लिजारिनल यहूदी हमारे यहूदी पड़ोसी को गोश्त भेजे कि नहीं और कीजिए कितना ख़्याल करते थे साहबा अगर अगरचे वो यहूदी क्यों ना हो काफ़िर मशरक क्यों ना हो उन लोगों को तहफ तहफ़ का अहतमाम करना चाहिए ख़ास कर मुल्क हिंदुस्तान के तनाजुर में ये अखलाक बहुत ज़रूरी है हमारे आस पास में जो भी गैर मुस्लिम भाई बहनें रहती हैं उनका दिल इन्हीं तोहफे तहाइफ़ से सालन से वगैरह से उनको देकर उनका दिल जीता जा सकता है एक और अहम मसला बताना ज़रूरी है वो ये कि हदिये को हदिया ही रहने दीजिए हदिया अगर रिश्वत बन जाता है लंचम बन जाता है तो वो हदिया हराम है वो नाजायज़ है वो कैसे बनता है देखिए जहाँ अहदेदार होते हैं मनसबदार बड़े लोग होते हैं वो लोग अपने माते से हदिया कबूल ना करें मनसबदार अहदेदार माते से हदिया कबूल करेगा तो वो हदिया रिश्वत बन जाता है मिसाल के तौर पर कॉलेज का प्रिंसिपल है वो किसी उस्ताद से हदिया कबूल ना करे किसी टीचर से कॉलेज का प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट का हदिया और गिफ्ट कबूल ना करे क्यों मिसाल के तौर पर कभी कभी क्या होता है कोई स्टूडेंट आपको हदिया ला कर दिया ये दो तीन दिन के बाद वो आपके पास ल्यू लेने के लिए आता है आप उसे नहीं, नहीं बोल सकते क्योंकि आप उसके एहसान तले दबे हुए हैं वही दूसरा स्टूडेंट आपके पास आता है जिसने आपको कभी हदिया नहीं दिया आप धड़ल्ले से कह देते हैं जाओ छुट्टी नहीं है तुम्हारे लिए तो हदिया क्या बन जाता है रिश्वत बन जाता है जहां हदिया रिश्वत बन जाए उस हदिये का लेन देन इस्लाम में जायज़ नहीं है आप सलाम ने इब्न लुत्बिया नामी एक आदमी को सदका जकवात की रकम वसूल करने के लिए भेजा पुराने ज़माने में ज़ुआत का सिस्टम यह था बकरियों की ज़क़त ऊंटों की ज़क़़त गाय की ज़कवा़ जानवर जितने ज़्यादा होंगे ज़कवात उतना ज़्यादा आएगा बहुत ही नाज़ुक मसला है ज़कवात वसूल करने का बड़ा बड़ी ज़िम्मेदारी है अल्लाह के नबी ने इबन लुतबिया को ज़कवात की रकम वसूल करने के लिए भेजा अब वो बहुत मुश्किल ज़िम्मेदारी है पूरे जानवरों की कैलकुलेशन करना कितने जानवर है तो कितना ज़कवात निकलेगा तो आपकी तालीम है जकवात वसूल करने वाला जकवात देने वाले से हदिया कबूल ना करे क्यों अगर जकवात वसूल करने वाला जकवात देने वाले से हदिया कबूल करेगा तो कैलकुलेशन करने में कुछ रियायत कर देगा कंसेक्शन कर देगा आप तो मुझे हदिया दिए हैं इतना जकवात माफ आपके लिए तो इबनबिया जकवात की रकम वसूल करके अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल ये जकवात की रकम है आप लीजिए और ये हदिए हैं लोगों ने मुझे दिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बरहम हो गए नाराज़ हो गए गुस्से में आ गए और कहा तुम अपनी माँ के घर में बैठे रहते तो क्या तुमको कोई हदीया ला कर देता ज़क़़त की रकम भी जमा करो और हदिए भी जमा करो तो वह साहब जो है ज़क़़त भी जमा कर दिए और हदिये भी जमा कर दिए जहाँ हदिया रिश्वत बन जाता है वहाँ हदीये का लेन देन इस्लाम में जायज़ नहीं है और आखिरी बात हजरत एक ज़रूरी बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ जिसको हमने कर्ज़ दिया है या जिसने हमसे कर्ज़ लिया है क़र्ज़ देने वाले को हदिया देना जायज़ नहीं कर्ज़ देने वाले को हदिया देना जायज़ नहीं क्योंकि हदिये का ख्याल मेरे दिल में कब आया जब आपने मुझे कर्ज़ दिया है जब आपने मुझे कर्ज दिया है और सूद किसे कहते हैं सूद का क़ायदा यह है कर्ज कर्जिन जर्र नफ़ान फहरीबन हर वो कर्ज जिस पर फायदा मिलता हो वो सूद है हर वो कर्ज जिस पे फायदा मिलता हो वो सूद है आपने मुझे कर्ज दिया है आपके कर्ज देने की वजह से मेरे दिल में ख्याल आया कि आपको कोई तोहफा ले जाके दूं ये तोहफा नाम है उसका हुक्म सूद है इससे पहले कभी मेरे दिल में खयाल नहीं आया आपको तोहफा देने का ख्याल आया तो कब आया जब आप मुझे कर्ज़ दिए कर्ज़ देने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया है इसलिए हमारेमा कराम और असलाफ उम्मत के बारे में आता है जिससे वो वो कर्ज लेते थे उम्मत के बहुत सारे क्राम के बारे में बात है जिसको वो कर्ज देते थे कर्ज़ जिसको दिए हैं उसके घर के साए में खड़ना भी पसंद नहीं करते थे जिसको उन्होंने कर्ज़ दिया है उसके घर के साए में खड़े होना साया हासिल करने को भी नापसंद करते थे तो लिहाजा जिसको हमने कर्ज़ दिया है उसका तोहफ़ा कबूल करना इस्लाम में जायज़ नहीं हाँ ये बात याद रहे देने से पहले अगर हमारे दरमियान तहफे तहईफ़ का लेना देना मामूल है पहले भी कई बार वो तोहफा दिया है मैं उसको तोहफा दिया हूँ अब कर्ज़ लेने के बाद भी वो तोहफा देता है वो तोहफा जायज़ है क्योंकि कर्ज़ देने की वजह से वो तोहफा नहीं दे रहा है पहले से तोहफा देने की उसे आदत है अब कर्ज़ लेने के बाद वो तोहफा दे रहा है तो वो तोहफा आप कबूल कर सकते हैं बहरहाल तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है हदिया और तोहफा ये मोहब्बतों को बढ़ाने का बहुत ही बेहतरीन जरिया है जिन पड़ोसियों में जिन रिश्तेदारों में और जिन दोस्तों के दरमियान बिगाड़ आ जाता है वहाँ हदिया ब्रिज का काम करता है वहाँ तोहफा ये पुल का काम करता है जहाँ कदूरत होती है हदिया कदूरत को मोहब्बत में बदलता है जहाँ नफरत होती है हदिया उसको प्यार में बदलता है जहाँ दुश्मनी होती है हदिया उसको मोहब्बत उल्फत में बदल देता है अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताली हम सब को आपस में एक दूसरे को हदीये का लेन देन करने की अता फ़रमाएँ और आपस में ये खुशगवार माहौल और खुशगवार समाज बनाने की अता फ़रमाएँ आमीन बारक अल्लाव वलकुम फिलकुर आज़ीम वनफा व्याकुमिन आयत हकीम इन तआला जवादुल करीम मलिकुम रब्बुन हलीम